हे गाइस, सो है संडे और सोच रहे हैं चल के रिचा को लेके आ जाते हैं और थोड़ा वहाँ पर मिठाई उठाई खा पी के आ जाएंगे। और मम्मी भी हाँ खुश है कि सब लोग ही खुश है कि रिचा वापस आ रही है अब। हाँ सो लेट्स सी कैसा रहता है। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बहू बेटी बच्ची, भगवान की मदद से बहुत बहुत भर भर का आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम। और नहीं ये रिचा तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बोला कि मेरे बाबू जा लेके आओ। और आना जाना तो लग ही रहता है, वो भी गई रह लिया, फिर आएगी फिर जाएगी। अब कैसे लग रहा है पापा को भाई? मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। घर तो बहुत सुना सुना है, इसलिए भेज रही है मम्मी की जल्दी लेकर आओ, घर में लगता है परिवार कि पूरा ऊपर होना से ढक चाहिए। ढक 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 आ रही है आवाज आ रहा है। और नाती पुत्र तो भी अच्छा लगा था, चले गए तो चलो। ये है बच्चे जैसे मेरे को लगती है, मैं अपने बेटी जैसे उसको मानती हूँ। आपको चलते हैं शादरा से फिर से आपको रूबरू करवाते हैं और वहां पर एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, हो सके तो वहां का मैं ब्लॉग बनाऊं और आपको भी दिखाऊं कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां वहां मिलती हैं। और बाजार भी दिखाएंगे आपको कौन कौन सी खाने की जगह है। इस व्लॉग में आपको खाने के लिए ज्यादा मिलेगा। बच्चों देखो, जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं, चाहे पापा जाता है, कोई जाता है, बेटी बहू बेटे सबको मैं दही खिलाती हूँ। घर से बाहर निकलो जरूर दही खा के निकलो, दही नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ खा लो, अच्छा रहता है। घर से निकले कदम कदम पर ही यात्रा रहता, अच्छा रहता है और शुभ रहता दही खा के जाने से। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे। हाँ लाइट नहीं आ रही, आप इतना चमकते हो ना तो लाइट ने शर्म के मारे चली गई। कहे हर घड़ी तुमसे सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ और अभी थोड़ा खाना पीना चल रहा है। फेवरेट पार्ट चल रहा है, अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता अपने आप को मैं। कैसी रही आपकी यात्रा? हाँ बस मंगलमय चल रहा है, चलो आपको मैं दिखाता हूँ और कैसे है। एक चीज देखिए, आपने दिखाना था इनको मिठाई पे डब्बे। ये देखो यहाँ आते ना, ये देखो क्या भर भर के, ये देखो दिखाओ, इन्हें तीन तीन मिठाइयाँ, ये तीनों घर के लिए है। वो बहुत ही यूनिक मिठाई मिल रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ के लिए कुछ ले लेता हूँ और अपने लिए भी कुछ लेता हूँ, तब मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं बस। है ये, बहुत कुछ है। प्याज तो मेरी फेवरेट प्याज कचौड़ी, कचौड़ी लेकिन आज प्याज नहीं खानी ना। आप खा सकते हो? अच्छा मेरे को सब अलाउड है, यहाँ पे एक वेजिटेरियन पौधा है। ये नहीं खाना। अच्छा नमकीन सब्जी और यहाँ पानी, पानी नहीं है स्प्राइट है। सो गाइज, यहाँ पर हो गया लंच रेडी और आज बनी है कढ़ाई पनीर और पुदीने की चटनी, सिरके वाली प्याज, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे और बहुत मज़ा आया मुझे तो खा के। और लंच करते ही हम निकल गए थे मूवी देखने, बहुत अच्छी मूवी आई थी। हमारा प्लान बना है मूवी जाने का, तो हम चारों मूवी जा रहे हैं, मतलब हम दोनों और सभी शुभम, तो देखते हैं कैसी मूवी है। इनको तो अच्छी लग रही है, और सबसे मजे की बात यह है हॉल में सिर्फ हम ही चारों हैं, हाँ उसमें कोई बुकिंग नहीं कोई है, बुकिंग नहीं है वहाँ पे। मे बी आज करवा चौथे इस वजह से हम जा रहे हैं ड्यून देखने। ड्यू कौन सी, कैसी है देखते हैं कैसी है, होपफुली मैं सोऊँ नहीं। चलो पहुंच गए हैं, 3:40 का शो था और पता नहीं हम पहुंच गए 3:50 पे। भागते भागते जा रहे हैं टिकट विंडो पे। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं और 3:40 का शो था, ऑलरेडी 20 मिनट की मूवी निकलवा चुके हैं। यार रोपिंग ऐड चल रही है अभी तक, इतने लंबे ऐड नहीं आते। घटिया बर्बाद है। साड़ी भी गाइस, मूवी के बाद हम आ गए हैं हल्दीराम और फॉर अ चेंज यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, खाली बड़ा एकदम खाली। ज़्यादातर यहाँ पे शादी हो रही होती है, शादी रोके हो रही होते हैं, बट आज बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ आईफोन के स्टोर पे बहुत भीड़ थी, इन्होंने पूछा भी था कि आईफोन के स्टोर पे क्यों इतनी भीड़ है, इनको तो समझ नहीं है कि लोग अपनी बीवी को आईफोन दिलवा रहे हैं, है ना।
इनको भी खाएंगे अरे ये लोग भी खाएंगे चार टू सौ टू सौ ठीक है गाइस बहुत बारिश हो रही है बहुत तेज नहीं हो रही बारिश लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हद से ज्यादा हद से बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है बहुत ठंड लग रही है और छोटे फ्लैश लाइट चला दिया बहुत ठंड है बहुत ठंड है सुकुड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बहुत बारिश है हो रही है बट मज़ा भी आ रहा है गाइस मतलब ऐसा हिल स्टेशन वाला फील आ रहा है वो याद रहता है मुझे क्योंकि लेके नहीं जा रहे हैं ना इसलिए चलो अब थोड़ी देर में घर भी निकलेंगे हम लोग पहले घर पहुँच जाएँ उसके बाद घर निकलेंगे तो गाइज़ अभी हमारा प्लान था जाने का बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ भी हो रही है और मेरे घर भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सामान थोड़ा ज़्यादा है तो ले जाने में उतारने में दिक्कत होगी तो हमने सोचा क्यों नहीं कल सुबह मॉर्निंग में फटाफट निकल जाएंगे क्योंकि दोनों का ऑफिस भी है और कुछ और भी काम था जो कि दुकानें बंद हो चुकी हैं तो वो भी सुबह सुबह निपटा लेंगे फटाफट से और आपको पता है कैब कितना चार्ज कर रही है आज 1500 रुपये मांग रही है कैब 1500 रुपये नहीं हम नहीं दे रहे तो हम मॉर्निंग में जाएंगे और थोड़ा शांति से जाएंगे क्योंकि अभी जाने में रिस्की भी है क्योंकि जाम भी होगा पानी भी भरा होगा जगह जगह तो इसलिए मॉर्निंग में जाएंगे ठीक है तो कल दिखाते हैं आपको घर पहुँच के मम्मी से बुलाते हैं चल बाय बाय सो गाइस जैसे कि अब हम रुक ही रहे हैं तो सोचा इस चीज़ का फ़ायदा ही उठा लिया जाए तो अब हम देख रहे हैं मम्मी पापा की शादी की एल्बम और थोड़ा सा ग्लिम्स आपको भी देते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं अब आप एक्साइटेड हो अपने सास ससुर एंटीक एल्बम है ऐसा एल्बम मैंने एल्बम ऐसा कभी देखा ही नहीं है हां तो अपने सास ससुर जी की तो इसमें आपको एल्बम ही दिखा देते हैं थोड़ा सा ऑब्वियसली पुराना है तो इतना थोड़ा वो हो गया है इधर से अंदर का बाइंडिंग देखो बट जब ये नया नया होगा तो काफी शाइनी और ऐसा और इसमें देखो कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रखी है काफी सारे पेजेस है इसमें काफी मोटे दो हैं ऐसी 100 पेजेस होंगे इसमें चलो दिखाते हैं आपको